गुड हेल्थ इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ आर लाइफ। एक अच्छी हेल्थ हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। हेलो एवरीवन, आज आपकी फिटनेस जर्नी को आसान बनाने के लिए मैं रीतल गोधवानी आपके साथ ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन में MSc किया है। IMWOW में मैं सीनियर डाइटिशियन हूँ। हमने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। सो आज मैं आपके साथ एक नवरात्रि डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप नवरात्रि फास्ट में यूज कर सकते हो। यूजुअली या तो हम बहुत ज्यादा ओवर ईट कर जाते हैं या तो हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बैलेंस डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स सब पे फोकस करेंगे। और ये प्लान साथ ही साथ में आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और ये समर फ्रेंडली भी है। यूजुअली नवरात्रि में हम जो भी फूड इंक्लूड करते हैं उसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीजें डाली है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। तो अब हम आते हैं डाइट प्लान की तरफ। सबसे पहले मॉर्निंग में हम लेंगे अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। या तो हम जीरा वाटर ले सकते हैं या तो हम लेमन वाटर ले सकते हैं। जीरा वाटर के लिए आपको 1/2 टीस्पून जीरा लेना है, जिसको आपको 5 से 8 मिनट तक के लिए उबालना है और उसके बाद उसको स्ट्रेन करके आप वो पानी ले सकते हो अपने कंफर्टेबल टेम्परेचर पे। या तो आप लेमन वाटर ले सकते हो, जिसमें आप 1/2 लेमन स्क्वीज कर सकते हो ल्यूक वार्म वाटर में। अब हम आते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में डे वन में हम ले सकते हैं नटी एप्पल स्मूदी, जो आप 200-250 ml ले सकते हो, जिसमें आप कुछ नट्स ले सकते हो लाइक आलमंड, वॉलनट, कैश्यू, एक 1 medium size एप्पल रहेगा और आपकी पसंद का मिल्क, इधर आलमंड, सोए और नॉर्मल डेरी स्किम मिल्क ले सकते हो। मिड मॉर्निंग में रेगुलरली आप यूज कर सकते हो बटर मिल्क, जिसको और टेस्टी बनाने के लिए यू कैन ऐड जीरा पाउडर, ग्रीन चिलीज, मिंट लीव्स या कोरिएंडर लीव्स। और ये सारी चीजें ऐड करने से एक बेनिफिट और अच्छा हो जाएगा कि आपका डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा और मिंट लीव्स, जीरा पाउडर एक कूलिंग इफेक्ट और एड ऑन कर देंगे, जो समर फ्रेंडली भी रहेगा। अब हम आते हैं लंच में, जिसमें आप ले सकते हो समा जीरा राइस एंड उसके साथ में आप फास्टिंग पनीर करी बना सकते हो। जीरा राइस की क्वांटिटी आप ऑलमोस्ट रख सकते हो 150-160 ग्राम। पनीर करी की क्वांटिटी कुक्ड रहेगी 200 ग्राम, जिसमें यू कैन यूज नियर बाय 60 ग्राम्स ऑफ पनीर, रेस्ट यू कैन यूज टोमेटो बेस्ड करी। अब हम आते हैं इवनिंग स्नैक में, जिसमें आप ले सकते हो 150-200 ग्राम्स तक का कोई भी फ्रूट, सीजनल फ्रूट। यूजुअली आप प्रेफर करना अभी समर के वाटरमेलन, मस्कमेलन या ऑरेंजेस आप ले सकते हो। उसके साथ आप नियर बाय 15 ग्राम्स अपने फेवरेट नट्स इंक्लूड कर सकते हो, इधर फॉक्स नट, पीनट्स या आलमंड, वॉलनट। अब हम आते हैं डिनर में, जिसमें आप ले सकते हो फास्टिंग स्वीट पोटैटो चाट, जिसमें आप नियर बाय बॉइल्ड 150-200 ग्राम स्वीट पोटैटो रख सकते हो। उसके साथ आप उसमें कुछ पोमोग्रेनेट सीड्स ऐड कर सकते हो, पीनट्स ऐड कर सकते हो, घर का बना हुआ पुदीना चटनी ऐड कर सकते हो या तो पीनट चटनी ऐड कर सकते हो। इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोने से पहले या तो हम ग्रीन टी ले सकते हैं या तो 1 glass फेनल सीड वाटर ले सकते हैं। फेनल सीड बनाने के लिए आप 1/2 teaspoon सौंफ लेना है और उसको 5 से 8 मिनट तक अच्छे से उबाल के और उसको छान के आपको लेना है। अब चलते हैं सेकेंड डे ऑफ नवरात्रा में, जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग में वही या तो जीरा वाटर ले सकते हो या तो नींबू पानी ले सकते हो। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट में आज हम लेंगे पनीर कुट्टू चीला, जिसमें आप कुट्टू का फ्लावर ले सकते हो, जिसमें आपको क्रम्बल्ड पनीर ऐड करना है और उसका बैटर अच्छे से बना के यू कैन मेक अ चीला आउट ऑफ इट। उसके बाद मिड मॉर्निंग में वही आप 200 ml बटर मिल्क ले सकते हो। अब हम आते हैं लंच में, जिसमें हम लेंगे 200 ग्राम कद्दू की सब्जी विद 1 medium size कुट्टू की रोटी के साथ। इसमें आप मिक्स सैलेड ऐड कर सकते हो, कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट, जो भी आपको पसंद हो आप 100 ग्राम्स तक सैलेड इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं इवनिंग स्नैक में, जिसमें आप कोई भी 200 ग्राम सीजनल फ्रूट ऐड करोगे विद 15 ग्राम्स ऑफ योर फेवरेट नट्स। अब हम आते हैं डिनर में, जिसमें आपको लेना है 200 ग्राम बेक स्पाइसी पोटैटो। इसमें आप पोटैटो को अच्छे से बेक कर सकते हो या तो तवे पे स्टर फ्राई कर सकते हो। इसको चटपटा बनाने के लिए आप ऐड कर सकते हो जीरा पाउडर, चिली पाउडर, सेंधा नमक या ब्लैक पेपर। इसके साथ आप 200 ग्राम कुकुम्बर रायता या योगर्ट डिप ले सकते हो। अब सोने से पहले आप 1 cup फेनल सीड वाटर ले सकते हो या तो ग्रीन टी ले सकते हो। अब चलते हैं थर्ड डे ऑफ नवरात्र पे। बट उससे पहले क्या आपको पता है हम नवरात्र के फास्ट क्यों रखते हैं? पहला तो एक रिलीजियस पर्पस हो जाता है। हर एक रिलीजन मानते हैं कि फास्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे हिंदू में नवरात्रि हो या मुस्लिम्स में रमादान हो या क्रिश्चियंस में गुड फ्राइडे हो। एवरी रिलीजन बिलीव कि फास्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है
कि जब सीजन चेंज होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है, हमारे एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, या तो हमें यूजुअली फीवर कफ कोल्ड होने लगता है। इसीलिए सजेस्टेड है कि हम इस टाइम पे सात्विक और घर का बना हुआ खाना खाएं और बाहर का और तामसिक फूड हम अवॉइड करें। अर्ली मॉर्निंग में आप वही या तो जीरा वाटर या तो लेमन वाटर लोगे। उसके बाद हम आते हैं आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू पे, जिसमें आप आज ले सकते हो डेट्स नटी एप्पल स्मूदी, जो आप 200 ml तक लोगे, जिसमें आप 10 टू 15 ग्राम्स डेट्स यूज करोगे एंड अपने पसंद का मिल्क यूज कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं मिड मॉर्निंग में, जिसमें आप लेने लेना है 200 ml बटर मिल्क। चलिए अब हम देखते हैं लंच की रेसिपी में क्या है। आज हम लेंगे फास्टिंग थाली पीट। थाली पीट एक ऑथेंटिक फूड है, महाराष्ट्रियन फूड है। इसके मिक्सचर में आप ले सकते हो कुट्टू का आटा, राजगिरा, सिंगाड़े का आटा। इससे आप डो बनाओगे, जिसमें आप मसाले के लिए जीरा पाउडर, नमक, चिली पाउडर यूज कर सकते हो। इसका डो बनाने के बाद हम इसको हाथ से बेलते हैं और हम तवे पे सेकते हैं, और इसको प्रॉपर अच्छे से पकाने के लिए हम इसमें बीच में होल्स करते हैं, और हम देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों साइड से अच्छे से पकाने के लिए। इसके साथ आप ले सकते हो 15 ग्राम पीनट चटनी। अब हम आते हैं इवनिंग स्नैक्स में, जिसमें आप 200 ग्राम फ्रूट ले सकते हो विथ 15 ग्राम्स ऑफ योर फेवरेट नट्स। आइए देखते हैं आज की डिनर रेसिपी में क्या है। आज के डिनर में बुद्धा बोल, जिसमें आप एक बोल में थोड़ा सा बॉइल्ड राइस, ग्रिल्ड पनीर, पीनट्स, पोमोग्रेनेट सीड्स, कुकुम्बर एंड टोमेटो ले सकते हो, और उसको मसालेदार बनाने के लिए आप थोड़ी सी पुदीना चटनी या तो पीनट चटनी ले सकते हो। इन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आपको स्क्रीन में मेंशन। सोने से पहले रोज की तरह आप एक कप ग्रीन टी या तो एक कप फेनल सीड वाटर ले सकते हो। चलिए देखते हैं नवरात्रा के डे 4 प्लान में क्या है। अर्ली मॉर्निंग में आप वही एक कप या तो जीरा वाटर ले सकते हो या तो लेमन वाटर ले सकते हो। आज के ब्रेकफास्ट मेन्यू में है फ्रूट योगर्ट। 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट योगर्ट में आप 100 ग्राम्स योगर्ट ले सकते हो, 100 ग्राम फ्रूट ले सकते हो, कोई एक सिंगल फ्रूट भी ले सकते हो या मिक्सचर ऑफ 100 ग्राम फ्रूट ले सकते हो। मिड मॉर्निंग में वही 200 ml बटर मिल्क। चलिए देखते हैं आज के लंच में क्या है। वन बोल ऑफ कुट्टू की कड़ी विथ समा जीरा राइस। कुट्टू की कड़ी में आप कुट्टू फ्लावर यूज करोगे, जैसे हम यूजुअली बेसन की कड़ी में बेसन और बटर मिल्क यूज करते हैं, यहाँ पे हम कुट्टू का फ्लावर और बटर मिल्क यूज करेंगे टू मेक अ कुट्टू की कड़ी, और जिसको हम ले सकते हैं एक बोल समा राइस के साथ। अब इवनिंग स्नैक में 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट विथ 15 ग्राम्स ऑफ योर फेवरेट नट्स। आज के डिनर में मखाना खीर। तो जिन लोगों को मीठा बहुत पसंद है उनके लिए फेवरेट डे होने वाला है। हम यहाँ पे आज लेंगे मखाना खीर 150 ग्राम, जिसमें हम ले सकते हैं 30 ग्राम्स ऑफ मखाना, और हम उसको अच्छे से पहले घी में रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको अच्छे से मिल्क में बॉईल करेंगे। जब उसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी उसके बाद यू कैन सर्व इट। सोने से पहले रोज की तरह आप एक कप ग्रीन टी या फेनल सीड वाटर लेके आप अपना फोर्थ डे क्लोज कर सकते हो। अब आते हैं नवरात्रा के डे 5 में, जिसमें आप अर्ली मॉर्निंग में रोज की तरह एक कप या तो नींबू पानी लोगे या तो जीरा पानी लोगे। आज हम ब्रेकफास्ट में लेने वाले हैं कुट्टू का लौकी चीला, जिसमें आप लौकी को घिस के कुट्टू के आटे के साथ बैटर बना के आप चीला बना सकते हो 1 medium size। उसके बाद मिड मॉर्निंग में 200 ml बटर मिल्क। आइए देखते हैं अब लंच में क्या है। आज के लंच में समा राइस पुलाव। तो जैसे हम रेगुलर पुलाव बनाते हैं वैसे ही आज हम बनाने वाले हैं समा राइस पुलाव, जिसमें आपको लेना है 30 ग्राम समक के चावल और मिक्स वेजिटेबल जो व्रत वाली हम सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ हम ले सकते हैं एक कटोरी कुकुम्बर रायता। इवनिंग स्नैक में आप 200 ग्राम फ्रूट विथ 15 ग्राम्स ऑफ योर फेवरेट नट्स ले सकते हो। अब हम देखते हैं डिनर में क्या है। आज के डिनर में हम लेने वाले हैं कुट्टू हंग कट बीटरूट टिक्की, जिसमें आपको लेना है कुट्टू का फ्लावर एंड बीटरूट। बीटरूट की वजह से ये टिक्की आपकी रेड कलर की दिखेगी, जिसके आप मीडियम 4 पीस ले सकते हो, और इसको आप सर्व कर सकते हो योगर्ट डिप के साथ। आप इसके साथ कुछ चॉप्ड सैलेड भी ले सकते हो, कुकुम्बर, टोमेटो एक्सेट्रा। सोने से पहले आप रोज की तरह एक कप ग्रीन टी या तो फेनल सीड वाटर लोगे। तो आज आपने देखा होगा कि आज के दिन में हमने ब्रेकफास्ट में चीला लिया था, लंच में पुलाव लिया था, डिनर में हमने बीटरूट टिक्की ली होगी। तो एक ही दिन में हमने कितनी सारी वेराइटी ऐड की। तो सेम ऐसे ही हमारे आई एम वाव के प्रोग्राम में भी हम विद कस्टमाइजेशन बहुत सारी वेराइटी देते हैं,
जिसके साथ साथ आपका वेट लूज भी होगा और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप किसी डाइट प्लान में हो। अब आते हैं नवरात्रा के डे 6 पे, जिसमें अर्ली मॉर्निंग में आप एक कप या तो नींबू पानी लोगे या तो जीरा वाटर लोगे। आज के ब्रेकफास्ट में है समा राइस उपमा, जिसकी क्वांटिटी 160 ग्राम रहेगी, जिसमें आप रॉ 30 ग्राम ऑफ समा राइस ले सकते हो। उसके बाद हम आते हैं मिड मॉर्निंग में, जिसमें आप 200 ml बटर मिल्क लोगे। अब देखते हैं लंच में क्या है। 1 बाउल ऑफ दही वाली अरबी, जिसमें आप अरबी को अच्छे से बॉईल कर लोगे। उसके बाद आप उसको हंकर्ड या बेसिक घर की दही में अच्छे से मिक्स करके आप उसको चटपटा बना सकते हो। जीरा पाउडर, सेंधा नमक, लाल मिर्ची ऐड करके, जिसको आप एक ले सकते हो 1 मीडियम साइज कुट्टू रोटी के साथ। इवनिंग में 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट विथ 15 ग्राम्स ऑफ योर फेवरेट नट्स। अब देखते हैं आज के डिनर में क्या है। आज के डिनर में है वेजिटेबल राजगिरा उत्तपम। इसकी जगह आप कुट्टू फ्लावर भी यूज कर सकते हो, और अगर वेराइटी चाहिए तो आप राजगिरा भी यूज कर सकते हो, जिसके साथ आप ले सकते हो 20 ग्राम्स ऑफ पीनट चटनी। सोने से पहले 1 कप ग्रीन टी या तो 1 कप ऑफ फेनल सीड वाटर। अब आते हैं नवरात्रा के डे 7 पे, जिसमें आप रोज की तरह मॉर्निंग में एक कप या तो नींबू पानी लोगे या तो जीरा वाटर लोगे। आज के ब्रेकफास्ट में है पनीर कुट्टू पराठा, 1 मीडियम साइज ऑफ पराठा, जिसके साथ आप ले सकते हो 20 ग्राम्स ऑफ या तो पुदीने की चटनी या तो पीनट की चटनी। आज के लंच में है टमाटर और लौकी की सब्जी, जिसको आप ले सकते हो 1 मीडियम साइज कुट्टू की रोटी के साथ। सब्जी की क्वांटिटी होगी 200 ग्राम, जिसमें आप 100 ग्राम लौकी ले सकते हो, 100 ग्राम टमाटर ले सकते हो। इवनिंग स्नैक में रोज की तरह 200 ग्राम फ्रूट विथ 15 ग्राम्स ऑफ नट्स। आज के डिनर में है भेल, हम फास्टिंग भेल बनाएंगे, जिसमें आप यूज कर सकते हो मखाना, पीनट्स, कुकुम्बर, टोमेटो, और उसको चटपटा बनाने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हो पुदीने की चटनी। सोने से पहले रोज की तरह 1 कप ग्रीन टी या तो 1 कप फेनल सीड वाटर आप ले सकते हो। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं डे 7। अब हम चलते हैं नवरात्रा के 8th डे पे। इस दिन की भी शुरुआत आप अपनी रोज की तरह मॉर्निंग ड्रिंक के साथ करोगे। अब हम आते हैं ब्रेकफास्ट में। आज के ब्रेकफास्ट में है समा राइस इडली, जिसको हम लेंगे पीनट चटनी के साथ 20 ग्राम्स। आप मीडियम साइज 4 इडली ले सकते हो, या तो आप उसको चटपटा या मसालेदार बनाने के लिए आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको आप तड़का दे सकते हो कड़ी पत्ता और पीनट्स के साथ। मिड मॉर्निंग में लेंगे 200 ml बटर मिल्क। अब हम आते हैं आज के लंच में, जिसमें आपको लेना है 1 मीडियम साइज ऑफ कुट्टू चीला, और आप उसको ले सकते हो लौकी के रायते के साथ। 200 ml ऑफ लौकी का रायता और 1 मीडियम साइज ऑफ वेजिटेबल कुट्टू चीला। इवनिंग स्नैक में आपको लेना है 200 ग्राम फ्रूट विथ 15 ग्राम्स ऑफ योर फेवरेट नट्स। आज के डिनर में है दही वाली लौकी विथ कुट्टू की रोटी। दही वाली लौकी के लिए आप लौकी को अच्छे से बॉईल करके फिर दही के साथ आप उसको बना सकते हो 200 ग्राम एंड 1 मीडियम साइज कुट्टू की रोटी। सोने से पहले रोज की तरह आप अपना डे एंड कर सकते हो 1 कप ऑफ ग्रीन टी या तो 1 कप ऑफ फेनल सीड वाटर। अब हम आते हैं नवरात्रा के लास्ट डे पे, जिसमें यूजुअली लोग कंजक बिठाने के बाद ही अपना व्रत ओपन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली अपना व्रत प्रसाद के साथ खोलेंगे, जिसमें आप ले सकते हो 2 मीडियम साइज पूड़ी, 100 ग्राम ऑफ आलू की सब्जी, 100 ग्राम ऑफ काला चना या छोले की सब्जी, 40 ग्राम ऑफ शीरा यानी हलवा। आप इस मील को बिना किसी गिल्ट के साथ इंजॉय करो, क्योंकि पहले तो ये प्रसाद है, दूसरा हमने पिछले 8 दिन से व्रत रखा है, जिसमें हमने बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाया, हमने एक सही पोर्शन में खाया है, तो ये आपके लिए एक रिवॉर्ड है। हमारा यही मानना है कि हम हर एक चीज़ को करेक्ट पोर्शन में इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये डाइट प्लान पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अब आपके लिए गुड न्यूज़ है, इस चैनल पे हम बहुत सारे ऐसे ही डाइट प्लान्स लेके आने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। अगर आप अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान चाहते हो तो आप हमारे साथ आई एम वाओ प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको वीकली काउंसलिंग कॉल मिलेगा, साथ ही में आपके हिसाब से कस्टमाइज डाइट प्लान, साथ में आपको वर्कआउट वीडियोस और रेसिपी वीडियोस भी दी जाएंगी। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए एंड बेनिफिट लीजिए। इस प्रोग्राम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू से आई एम वाओ नाउ एंड फॉरएवर। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार फेल हुई हूँ, डिसअपॉइंटेड हुई हूँ और डिमोटिवेटेड हुई हूँ। अपनी एग्जाम्पल ऐसे लूंगी कि मैं वर्स्ट केस सिनेरियो थी, हर एक हेल्थ इश्यू था, कुछ भी सही नहीं था। मेरे को लगता था कि मैं 36
की एज में 50 प्लस हूँ तो बस दिन काट रही थी, और अब मैं अपने आप को यंगर फील करती हूँ. बहुत कुछ करने का मन है, लाइफ में विश लिस्ट बन गई है कि इसके बाद ये करना है. डायबिटीज तो प्री स्टेज से भी बाहर निकल गई है, 86-87 के अकॉर्डिंग थी, मतलब उससे फिर कम होते होते अभी रिसेंट मेरा 42 रीडिंग आई है. अच्छा. तो जो डॉक्टर बोलते हैं ओवरली कंट्रोल कर रहे हो, उनको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, बोलते नोबडी कैन चेंज इन अ ईयर फ्रॉम दिस रीडिंग टू दिस रीडिंग. आपका जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें हर चीज मिलती है, हर चीज, मतलब जो भी किसी बंदे को चाहिए, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, डाइट, न्यूट्रिशन प्लान चाहिए, अच्छे कोचेस चाहिए, हर एक चीज एक फुल पैकेज है. तो क्वेश्चन ही नहीं बनता कि कोई फेल हो जाए. और अभी तक जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है ना मेरे कहने पे, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. पहले भी कई बार ट्राई कर चुके थे, एंड इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म. आई वुड से आप एक ब्लेसिंग्स हो, और आपके ऊपर भी ब्लेसिंग्स है कि जो भी आपके साथ जुड़ता है ना वो एकदम से उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं. तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये इनिशिएटिव लिया, आपको फॉलो किया, और अभी तक मैं सिर्फ फायदे में ही हूँ, आगे भी फायदे ही.